नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रॉड बिल, क्योंकि प्रॉपर्टी मैटर्स ऐसे होते हैं कि प्रॉपर्टी क्योंकि वैल्यू ज़्यादा होती है तो अक्सर नीयत खराब हो जाती है कईयों की। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो देखते हैं आज की क्वेरी क्या है। तो जो क्वेरिस्ट है वो कहते हैं, माई मटर्नल अंकल मामा हैज़ गॉट ऑल माई नानाज प्रॉपर्टी इन हिज नेम बाई टेकिंग माई नाना टू द रजिस्ट्रार विदाउट इन्फॉर्मिंग माई मदर। At the time of transferring his will, he was quite old and unwell, and we doubt his intention to transfer all properties to his son only and leaving nothing for his daughter. Could we challenge my nana's ownership to transfer deeds? तो दोस्तों, इसमें जो क्वेरिस्ट हैं वो कह रहे हैं, जो मेरे नाना थे उन्होंने, वो काफ़ी ओल्ड थे, और जो मेरे मामा हैं उन्होंने मेरे नाना से अपने नाम एक विल करा ली थी और रजिस्ट्रार के पास भी ले गए थे, और रजिस्ट्रार के पास ले जाके उन्होंने अपनी विल रजिस्टर करवाई और जो भी नाना की प्रॉपर्टीज़ थी अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली। तो इनकी क्वेरी ये है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके जो मामा हैं इन्होंने नाना को गलत तरीके से उनके ओल्ड एज और उनका फिजिकली फिट या फिजिकली अनवेल रहने की जो एडवांटेज लेकर के उनसे विल करवाई है, और प्रॉपर्टी अब मामा ने अपने नाम पे गलत तरीके से करवाई है। और वो ये कह रहे हैं, मेरी जो मदर हैं उनके नाम नाना ने कुछ प्रॉपर्टी नहीं की, ऐसा थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। तो कैन दिस क्वेरिस्ट, वो कह रहे हैं, क्या मैं ऐसी सिचुएशन में उस बिल को चैलेंज कर सकता हूँ या नहीं? देखिए दोस्तों, फ्रॉड जो होता है, फ्रॉड इज ऑलवेज अ चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। फ्रॉड अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होता है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन से आप बद्ध हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे थ्रू फ्रॉड साइन करवाया गया था, तो यू कैन ऑफ कोर्स चैलेंज बाइंडिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। सो बाय दैट एग्जांपल, अगर विल में भी अगर किसी को लगता है कि जो विल है, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो विल, किसी तरीके से उसमें फ्रॉड किया गया है, इन द सेंस लाइक इन दिस एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इनको लगता है कि विल को फ्रॉड किया गया है एंड देर आर सफिशेंट ग्राउंड्स टू चैलेंज दैट, इन द सेंस कि मान लीजिए वो कुछ इस तरीके के ग्राउंड्स दिखा पाए कि आई एम प्रिज्यूमिंग कि इनके जो नाना है ही इज डेड, कोई क्वेरी में कहीं पर भी ये दिया नहीं गया, क्योंकि अगर वो अलाइव होते उनके नाना तो नाना खुद ही चैलेंज कर सकते थे इस चीज़ को, बट सिंस ही इज नो मोर तो आई एम प्रिज्यूमिंग इट विल बी हिज मदर, जो क्वेरीज है उनकी मदर ही चैलेंज करेंगी उस बिल को। तो ग्राउंड्स, वो क्या ग्राउंड्स ले सकती हैं? जो ग्राउंड्स वो ले सकती हैं वो ये हैं कि जब उनके फादर अलाइव थे तो उन्होंने किसी से कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं अपने बेटे और बेटी में इक्वली डिवाइड करूंगा, ऐसे, या फिर किसी तरीके से ये दिखा सकते हैं, अगर अगर दिखा सकते हैं कि उनके जो फादर थे, जो जो क्वेरिस्ट है उनकी मदर ये चीज़ दिखा सकती हैं कि उनके जो फादर थे या मतलब कि जो क्वेरिस्ट के जो नाना है वो बहुत ही अनवेल थे, इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो मेंटली अपना किसी को कंसेंट दे सकते थे कोई भी चीज़ करने की, या अगर वो प्रिस्क्रिप्शंस या उस टाइप के मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं कि इनके नाना ही वॉज एक्चुअली वेरी अनवेल एंड वॉज नॉट इन अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में नहीं थे जहाँ पे कि वो अपनी फ्री कंसेंट के साथ, फ्री विल के साथ अपनी एक विल या वसीयत बना सकते थे। तो ये सारे तमाम ऐसे ग्राउंड्स होंगे जिसके थ्रू वो एक अपना फ्रॉड का ग्राउंड बना सकते हैं, और अगर फ्रॉड का ग्राउंड बनता है तो ही कैन ऑफकोर्स चैलेंज द विल, जैसे कि इस केस में है। तो टू सम इट अप, अगर ऐसा कोई इशू आता है जिसमें कि आप जो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है इन द फॉर्म ऑफ विल या गिफ्ट डीड, अगर इस केस में गिफ्ट डीड होती तो भी चीज मतलब जो चैलेंज होता ग्राउंड उसके सेम होते, या कोई किसी तरीके का भी ऐसा कोई बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जिससे किसी को राइट्स आ रहे हैं, और जिसको राइट्स नहीं आ रहे वो अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो वो किसी तरीके से अगर ये दिखा पाए कि उसमें फ्रॉड था, अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं वो दिखा पाए फ्रॉड है, तो डेफिनेटली ही कैन चैलेंज दैट ट्रांजैक्शन। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। अगर आपकी इस बारे कोई क्वेरी हो या कोई डाउट्स हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, वीड बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर दैट। एंड इफ यू वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद अस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे ऐसे लीगल डिस्कशंस के साथ जुड़े रहें तो आप हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, उसके साथ ही साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं।
जहाँ की हम ऐसे ही लीगल टॉपिक्स के ऊपर जो हमारी डिस्कशंस होती हैं उसको शेयर करते हैं, और उसके अलावा भी जो लीगल अपडेट्स होते हैं उसको भी फ्रॉम टाइम टू टाइम हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं, सो दैट हम एक लीगली अवेयर कम्युनिटी बना पाएं, क्योंकि इन वीडियोज़ का और इस चैनल का उद्देश्य ही ये है कि वी आर एबल टू क्रिएट अ लीगली अवेयर कम्युनिटी. सो विद दैट फ्रेंड्स, आई टेक योर लीव. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड गुड बाय.